बिहार विधानसभा का घेराव करने की राजधानी के हर सड़कों पर आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद है और विधानसभा घेराव करने की ओर कुछ कर गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव कमल फोन लाइन पर मौजूद, हमारे संवाददाता उत्कर्ष भी है फोन लाइन पर। एक एक करके दोनों से जानकारी लेंगे, अलग अलग सड़कों पर मौजूद, अलग जगहों पर मौजूद है, उनसे जानकारी ली जाएगी। पहले उत्कर्ष आपसे जान लेते हैं कि अभी फिलहाल कहाँ है आप? हाँ मंजुल, फिलहाल अभी हम ढाकबंगला चौराहे पे हैं और साफ तरीके से जो विधानसभा का घेराव के लिए तेजस्वी यादव निकले थे जेपी गोलंबर से, उन्हें रोक दिया गया है। साफ तौर पर ढाकबंगला से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो वाटर कैनल है उसका यूज किया जा रहा है। जिस तरीके से उनके जो समर्थक है वो उग्र हो गए हैं और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वाटर कैनल का यूज किया गया। कितने कार्यकर्ता है वहाँ पर? करीब हजारों के तादाद में जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और साफ तौर पर तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और जो वाटर कैनल के दम पे उन्हें रोका जा रहा है, हालांकि उनका जो आत्मविश्वास है वो कम नहीं हो रहा, वो साफ तौर पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने देर में विधानसभा पहुंचेंगे और वहां घेराव करने की बात कर रहे हैं वो लोग? हालांकि पुलिस अभी उन्हें रोक रही है, उन्हें विधानसभा घेराव करने के लिए यहीं पर रोक दिया जाएगा, इससे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन उनका जो कहना है वो साफ तौर पर कि हम विधानसभा के साथ आरजेडी के कई बड़े नेता भी हैं वहां पर मौजूद, क्या आने की कोई गुंजाइश है, ऐसी कोई खबर है क्या कि आरजेडी के बड़े नेता लोगों को ज्वाइन करेंगे? सारे विधायक यहां मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप हैं, जगदानंद सिंह हैं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी हैं और काफी वरिष्ठ नेता यहां पे हैं जी। और पुलिस के प्रशासन के लोग वहां मौजूद हैं क्या काफी संख्या बल कितनी है वहाँ? तरीके से यहाँ पे चार चौबंद बनाई रखी है, जिस तरीके से वाटर कैनल का यूज किया जा रहा है, आंसू गैस के भी जरूरत पड़ने पे गोली दागे जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को यह भी पुलिस महकमे में यह चीज बोल दी गई है कि अगर इस चीज को उग्र किया जाता है तो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज भी कर सकती है। और साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पे हंगामा किया जा रहा है उसमें पुलिस बल जो है वो उत्कर्ष आप बने रहे इस खबर पर, आपसे हम पल पल की जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ राजीव कमल भी मौजूद है। राजीव कमल, आप इस वक्त कहां पर हैं और यहां वहां क्या कुछ चल रहा है हमें बताएं आप। देखिए हम ढाकबंगला चौराहे पर हैं, हमारे साथ सहयोगी उत्कर्ष भी हैं, हम दोनों कवर कर रहे हैं। जब से जेपी गोलंबर से चला है तेजस्वी का काफिला, अभी ढाकबंगला चौराहे पर नहीं आया है, उनके साथ काफी हजारों के समर्थक भी हैं। लेकिन ढाकबंगला चौराहे पर कार्यकर्ता राजद के हैं, जो बेरोजगारी और शिक्षा और एक पे महंगाई हो और रोजगार के लिए नारे लगा रहे हैं नीतीश मुर्दाबाद। और तमाम तस्वीरों में भी देख सकती हैं कि वाटर कैनन भी चला है, अभी कुछ देर पहले पुलिस ने भी वाटर कैनन चला है, पुलिस का बंदोबस्त काफी है। हमें आगे अब कैसे विधानसभा में आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं और आरजेडी के विधायक और विपक्ष के नेता भी मौजूद हैं उनके साथ और साथ में पुलिस बल भी तैनात है। क्या लगता है, क्या हंगामा हो सकता है, इसकी भी गुंजाइश वहां दिख रही है क्या? हंगामा चल ही रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं द्वारा। अभी वाटर कैनन चलाया गया है, दो वाटर कैनन लगे हैं, आप तस्वीरों में देख रही हैं, वाटर कैनन को भी चलाया गया है। और अभी तेजस्वी और तेज प्रताप यादव यहाँ अभी नहीं आए हैं, जो गोलंबर से चले हैं, अभी आने के बाद हंगामा काफी बढ़ने की उम्मीद है। हमें नहीं लगता है कि पुलिस यहाँ से आगे बढ़ने देगी, क्योंकि ये 144 पे आता है। इससे उलट एक बड़ा सवाल यह भी है कि कोरोना के बढ़ रहे हैं मामले और ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन, खुलेआम प्रदर्शन, क्या नहीं लगता है कि इस तरह के आयोजन से कोरोना की महामारी जो है ये बहुत बड़े गंभीर संकेत है? देखिए आपकी बात वाजिब है कि ये कोरोना काल है, कोरोना का दूसरा फेज आ गया है और कहीं ना कहीं सतर्कता जरूरी है। लेकिन सतर्कता पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर एक चीज कदम उठाती है, क्योंकि एक तरीके से विपक्ष है और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए हर एक काम किए जाते हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष अगर बार बार उसके विपक्षों द्वारा कहा जाना है कि सत्ता पक्ष अगर नहीं सुन सड़क अगर सुनी हो जा तो सत्ता पक्ष विधानसभा में एक तरीके से निकम्मी हो जाती है। तो राजीव, जैसा कि बता रहे हैं, उत्कर्ष बता रहे हैं कि आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, उन लोगों को बैरिकेडिंग कर दी गई है, भारी मात्रा में पुलिस तैनात है वहां पर और ढाकबंगला से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए कार्यकर्ता का कहना है कि हम किसी भी तरीके से विधानसभा जाएंगे और हम तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और हम पुलिस से कोई मतलब, पुलिस कुछ भी कर ले, लाठी डंडे मार ले, पीट ले, कुछ भी कर ले, वाटर कैनन चला ले, लेकिन हम विधानसभा का घेराव करेंगे और साथ में जाएंगे कि किस तरीके से ये सरकार निकम्मी हो चुकी है
सरकार को काम नहीं कर रही है। तो सरकार 19 लाख नौकरियों के बाद किसी लेकिन 19 लाख नौकरियां नहीं दे पाई, अभी तक 6 महीने से ऊपर हो गए सरकार को। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में काफी आक्रोश है और बेरोजगारी और मामले जो एक तरीके भ्रष्टाचार हो या आप एक तरीके से कह लीजिए कि सर आप राजीव तेजस्वी भले ही ना पहुंचे हों, लेकिन क्या उनके साथ आरजेडी के कोई बड़े नेता मौजूद है, क्या विधायक कोई मौजूद है उनके साथ? देखिए उनके साथ विधायक भी है, प्रवक्ता भी है, खुद तेज प्रताप यादव है, लालू यादव के बड़े बेटे हैं वो साथ में हैं, उनके नेतृत्व विधायक भी हैं, राजद के कई विधायक हैं, आपको उसमें तस्वीरों में दिखाई देंगे। उससे आप उसके बाद और तस्वीरें साफ हो जाएंगी जब जहाँ तक मंगला चौराहे पर पहुंचेंगे तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव। जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका राजीव और उत्कर्ष। आपको बता दें कि दोनों ग्राउंड जीरो से पल पल की आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल तमाम कार्यकर्ता, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है डामंगला चौराहे पर और विधानसभा कूच करने की तैयारी है, लेकिन वहां जो पुलिस बल है काफ़ी संख्या में तैनात है और पुलिस बल ने वहां बैरिकेटिंग की हुई है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल हैं, वो आगे इन कार्यकर्ताओं को नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव वहां मौजूद हैं, कुछ देर में तेजस्वी यादव के पहुँचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में दोनों ओर से झड़प होने की बात हो सकती है कि आगे चल के हंगामा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आज इनका बेरोजगारी और कई मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव करने की तैयारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में 23 मार्च को यानी कि मंगलवार को पुलिस विधेयक पेश किया जाएगा। विपक्ष इसे लेकर पहले से विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस कानून के बाद मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की जरूरत नहीं होगी, पुलिस ऐसे ही मनमाने ढंग से किसी के घर में घुस जाएगी। यह कानून बिहार के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित करने वाला होगा। साथ उन्होंने कहा कि बिहार सरकार तानाशाही रुख अख्तियार कर चुकी है।